गुड मॉर्निंग दोस्तों. कल या परसों मैंने कमेंट पढ़ा कि आप कुछ भी हो, आप सुबह उठते ही वीडियो बनाते हो, तो ऐसे मतलब फेस सोया सा. तो हाँ, मतलब दिन की शुरुआत होने से लेके मैं पूरे टाइम तक का वीडियो बनाती हूँ जितना हो सकता है मुझसे. तो ये इसलिए है बिगनिंग से. और हाँ, मैं एक स्टोरी की बात कर रही थी जो कल के या परसों के वीडियो में था, जो गाना बज रहा था, बांधो जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए. तो दोस्तों, उसकी स्टोरी बहुत ही इमोशनल है. और मतलब बहुत छोटी थी, मे बी 9th 8th में रही होंगी मैं. तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते, एक मंगलवार होता है जो बहुत बड़ा मंगलवार होता है, मतलब उसको बुढ़वा मंगल भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा मंगलवार भी बोलते हैं. तो ये मतलब जो बहुत पुराना टाइम, मतलब पीछे जब मैं 8th 9th में थी तब वो दिन पड़ा था. तो तब हम लोग कॉलोनी में रहते थे सारे, हमारी पूरी फैमिली. तो भैया जॉब करके आए थे और घर में कुछ तार वार का काम फैला हुआ था, तो भैया ठीक कर रहे थे. और हर घर में छोटी मोटी तो भाई बहन से लड़ाई चलती है, तो हमारी छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ होती रहती थी. तो भैया कुछ कर रहे थे तो उन्हें करंट लग गया. और मैं और मम्मी किचन में थे ऊपर, मतलब हमारा किचन ऊपर था. तो पता भी नहीं कि नीचे करंट लग गया है भैया को, क्या हुआ है. तो मम्मी भैया के लिए इवनिंग का ही टाइम था, कुछ नाश्ता वाश्ता बनाते, तो मुझसे उन्होंने कुछ मंगवाया कि जाके लेकर आऊँ. तो मैं लेके आई तो देखा तो भैया गिरे पड़े हुए थे. मुझे लगा मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर से आवाज़ दी, ऐसे क्यों लेटे हो, ऐसे क्यों लेटे हो. वो कुछ बोले नहीं. फिर मैं नीचे गई तो देखा वो करंट था, मैंने छुटाया तो कुछ देर के लिए तो मैं भी उसमें चिपक सी गई. फिर मुझे ऐसे झटका आया तो मैं निकल गई. फिर मैंने चिल्लाया, मम्मी आई. फिर मम्मी तो बहुत, हर माँ बहुत भोली होती है, बहुत भोली होती है. वो भी किसी को, सबके दिमाग ब्लैंक हो गए. तो वो भी अपना बेटा को देख के एकदम से, वो तो चिपक गई, मतलब वो छूटी नहीं रही थी. वो भी भैया के पास ही रह गई. और पूरे घर में अंधेरा, लाइट जा चुकी थी और हमें नहीं पता था क्योंकि हम छत पे थे. पूरे लाइट चली गई थी. फिर उसके बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं गेट से बाहर भागी, क्योंकि मैं मतलब नहीं समझ आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या. जब मैं गेट से बाहर भागी तो एक हमारे घर के राइट साइड पे गोपाल भैया रहते थे और लेफ्ट साइड में प्रकाश भैया रहते थे. तो गोपाल भैया की शॉप थी, तो मैं वहाँ पे जाके बोली कि जल्दी से चलो, मेरे घर पे कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया. वो आए तो एकदम से शोर शराबा हो गया कि अरे अरे अरे, ये हो गया, वो हो गया. तो उस वक्त मेरे मतलब उस, वो एहसान या वो जो भी था, आज तक मतलब हमेशा प्रकाश भैया के हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे. वो अपने घर से कूद के, एक छोटी सी दीवार थी उससे कूद कर आए और उन्होंने प्लग हटाया जहाँ पे मेन था, जिससे वो करंट आया था, उन्हें वो हटाया और तुरंत सब ठीक हो गया. मतलब भैया भी एकदम उठ गए, मम्मी भी उठ गई और घर पे लाइट भी आ गई. लेकिन जैसे भैया उठे, मतलब भैया को कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तो हो गए थे, जितनी मैं स्टोरी बता रही हूँ उतना टाइम तो हो गया था. और जैसे ही वो करंट हटा, भैया उठ के खड़े हो गए, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ऐसे करके. और जैसे ही उठे वैसे धड़ से गिर गए, क्योंकि इतना जोर का करंट लगा. और उनको मम्मी की टेंशन हो रही थी कि मम्मी को कहीं कुछ ना हो जाए. मम्मी तो वो उनको दिखाने के लिए खड़े हो गए कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ. और जैसे खड़े हुए वैसे वापस बेहोश हो गए. मम्मी को तो होश ही नहीं आ रहा था और घर में सिर्फ मैं अकेली. और मतलब बहुत गंदी सिचुएशन हो गई थी. फिर सारे, इसलिए कभी कभी कॉलोनी बहुत अच्छी होती कि कॉलोनी में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं. सारे लोग आए, सब कुछ भैया, कुछ मम्मी के पास थे, कुछ भैया के पास थे. और मेरा तो खैर अलग ही चल रहा था जोन, मुझे समझ नहीं आ रहा था. कभी भैया के पास, कभी मम्मी के पास, कभी मम्मी के पास, कभी भैया के पास, यही कर रही थी मैं बस, चाह रही थी सब ठीक हो जाए. फिर पापा आए, फिर मेरे बड़े भैया भी आए. सब देख के शॉक्ड कि यार कुछ भी हो सकता था इस सिचुएशन में.
लेकिन थैंक गॉड बच गए सब लोग, सही सलामत थे। लेकिन हाँ, मेरे भैया के लेफ्ट या राइट हैंड में यहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो गया था जो पूरे साल नहीं भरा था, क्योंकि तार यहीं पे ही चिपक गया था और होल हो गया था। तो और दूसरे दिन से नवरात्र स्टार्ट थे। जिस दिन भैया को ये सब हुआ घर पे, उसके नेक्स्ट डे नवरात्र चालू थे। और तब के टीवी, एक लोकल चैनल है के टीवी आता था, उस पे ये गाना बज रहा था, बांधू जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। तो मैं बहुत रोई, मतलब फूट फूट के रोई कि यार, मतलब भगवान का और माता रानी का और सबका आशीर्वाद था जो सब कुछ सही हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और भगवान करे आप सबके आशीर्वाद से सबकी फैमिली, सबके परिवार साथ में रहे, खुश रहे, और भगवान जी मुझे आशीर्वाद दें, मेरे भैया मम्मी पापा भी सब लोग, जो लोग भी मुझसे जुड़े सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, आप लोग भी खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, कोई कभी बीमारी, कोई कभी दुख, किसी भी तरह की बाधा ना आप लोग के जीवन में आए, ना मेरे जीवन में, ना किसी और के जीवन में, सब लोग खुश रहे। तो ये थी मेरी स्टोरी। ये देखिए सांप, ये कौन सा सांप है? जय माता रानी। तो बात करा देता हूँ। आ गए हैं अपनी कर्म भूमि में, मतलब कि सेट पर, और हम अभी गाड़ी में ही हैं, लोकेशन पर आ गए हैं, अभी शूट करेंगे। क्या आपको मेरी आंखें थकी थकी सी दिख रही हैं? ज़रा बताना मुझे कमेंट में, बताना लग रही कि नहीं लग रही, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी आंखें थकी थकी सी भी लग रही है और दर्द भी हो रही है। आप बताना आपको लग रही है क्या? हाँ, मुझे ऐसी दुकान दिखती है और मेरे मुंह में पानी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहाँ है चूरन वाला डब्बा? चूरन वाला पकड़ो, इसको पकड़ो। दोस्तों मैं दिखाती हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, और ये चूरन आपको अपने बचपन के दिन याद आए, मुझे तो याद आ गया और मैंने खरीद भी लिया। एक और मैंने लिया था चांद सितारे जिसमें बने थे, इसको खट्टी मिट्टी गोली भी बोलते हैं, कुछ लोग चूरन की गोली भी बोलते हैं। इसको पकड़ो दादा, दूसरा चांद सितारे वाला प्रचार कर रहे हैं। ये देखो चांद सितारे, ये भी हमने बचपन में बहुत खाए और अभी भी मैं खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी दीदी बिचारी पीछे से खड़े देख रही है कि हमें कब मिलेगा खाने को, हमने ले लिया है। और हाँ, ये भी मैंने लिया है, ये देखो दीदी ने तो खाना भी शुरू कर दिया। और ये भी लिया, ये भी खट्टी मिट्टी गोली है, ये सब मैंने लिया है अपने खाने के लिए। हालांकि ये हेल्दी नहीं होता, लेकिन जब ऐसी बचपन वाली चीज़ें दिखे तो खा लेना चाहिए। क्यों बहन, तुम्हारी टिकली विकली कहाँ गई आज? उड़ गई। उनको टिकली दो भाई, छोटा वाला है, छोटा वाला लगाओ। अच्छा नहीं लगता तुम्हारा फेस विदाउट टिकली। ये सो के आ रही है, थोड़ा दुखी दुखी से लग रही है। ये हमारे शील दादा है, ये हमारे मेकअप दादा है, ये सेटिंग दादा है, ये मेकअप दादा है, ये सेटिंग दादा है, ये शील दादा है, मैं हेयर दीदी हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी, और ये मेरा टोपी वाला है, ये मेरा ख्याल रखता है, ये सबसे बड़े दादा है। और दीदी ने टिकली लगा ली, तो देखो सुंदर लग रही है ना, पहले कितना खराब लग रहा था। ये दोस्त लोग बताएंगे, आप नहीं बताओ, आप तो हो ही सुंदर, दोस्तों को बता देते हो कि अच्छी लग रही है कि नहीं, बताना जरूर। सारे बच्चा पार्टी, बड़े प्यारे बच्चे, एक ही घोड़ा बच्चा है। तुम क्या कह रही थी, तुमने कहा मुझे देखा?
सुनो ससुर जी में देखा है, क्या नाम है मेरा सुनो ससुर जी में? ऐश्वर्या। तो आप लोग देख रहे हो, इनको मेरा पिक्चर का नाम याद है, वो भी कैरेक्टर का नाम याद है कि मेरा सुनो ससुर जी में ऐश्वर्या नाम था। और इस बच्चे ने आके मुझसे बोला कि आप ऐश्वर्या प्ले किया था अपने कैरेक्टर, मैं समझ नहीं पाई। तो फिर से बताया कि सुनो ससुर जी जो फिल्म थी उसमें आपने ऐश्वर्या का प्ले किया था। मैंने भाई साहब थैंक यू, मैं थक गई फोटो खींचते खींचते खिंचाते खिंचाते। लोगों का इतना प्यार देख कर ना बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे उस जगह का नाम है हजारीबाग, और हजारीबाग के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है बोंगा बोंगा। तो मैं बोंगा में हूँ और बोंगा के लोगों के साथ मैंने यहाँ बहुत सारी फोटोज़ खिंचाई हैं। और बहुत ही अच्छे स्वीट लोग हैं, प्यारे लोग हैं, बहुत बिल्कुल परेशान नहीं करते और अच्छे से काम करने देते हैं। अगर बोंगा के कुछ वासी जो लोग भी हैं अगर मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हम लोगों को, हमारी शूटिंग में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। और अभी भी हमारी शूटिंग बोंगा में ही चल रही है, अगर मैं सही बोल रही हूँ नाम जो मैंने पढ़ा था, यहाँ पे एक बोर्ड लगा था वहाँ पे लिखा हुआ था। तो बहुत अच्छी जगह यहाँ पे और अच्छे लोग हैं, और बहुत ही एक तो इतना सुंदर विशाल मंदिर है जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। अभी मैं वापस जाऊंगी बाहर तो मैं आपको वापस से दिखाऊंगी, बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छे लोग हैं। और आपने देखा है कि कितने छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, वो सब मुझे बता रहे मैंने आपकी ये फिल्म देखी, मैंने आपकी वो फिल्म देखी। बड़ा अच्छा लग रहा, मुझे तो याद भी नहीं था कि वो बच्ची किस फिल्म की बात कर रही है। फिर जब उसने बताया तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत दिल से खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वापस से मैं अपने रूम पे आई हूँ और चेंज के लिए आई हूँ, अब दूसरा शॉट लगने जा रहा है तो काफ़ी टाइम हो जाएगा आज भी, क्योंकि अभी हमारा पैकअप मतलब हमारी स्टोरी पूरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस 10% ही रह गई है। तो फटाफट से हम लोग शूट करना चाहते हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी शूट कर रहे हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद और अपना क्या प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, मैडम जी मुझे बता रही है बार बार तो आप सब प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, थैंक यू।